राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर है। जेपी नड्डा बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय विद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होंगे और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के एक दिवसीय दौरे पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अजय उपाध्याय। अजय, क्या कुछ विशेष और खास जानकारी आपके पास इस दौरे से जुड़ी हुई है? क्या शेड्यूल आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिलासपुर में रहने वाला है? जी, राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अपने तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लगभग 11 बजे पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय विद्युत और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें 3 करोड़ रुपए से बनी आधुनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सुविधा का शुभारंभ करेंगे। वहीं 30 करोड़ से बने ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में रेडियोथेरेपी जैसी आधुनिक सुविधाओं को का शुभारंभ करेंगे, जबकि 7 करोड़ रुपए से बने 128 स्लाइस सीटी स्कैन का भी शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात पावर ग्रिड द्वारा बनाए जा रहे विश्राम सदन का शिलान्यास कर लगभग 4 बजे बिलासपुर से पुनः दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय आपका।